अजब प्रेम की गजब कहानी होगी टीवी पर। दे धनाधन हो रही है हाउसफुल। कटरीना नहीं करेंगी दुबई में परफॉर्म। अक्षय की एक क्रेजी फैन। ऐश नहीं है प्रेग्नेंट। शाहरुख खान की बिग बी को रिक्वेस्ट। एजेंट विनोद का हुआ बजट कम। अजब प्रेम की गजब कहानी को रिलीज हुए अभी 35 दिन भी नहीं हुए कि इस फिल्म के राइट्स एक चैनल ने खरीद लिए और अब ये फिल्म जल्द ही टीवी चैनल पर नजर आएगी, जबकि ये फिल्म अभी भी कई थिएटर्स में चल रही है। अक्षय कुमार का जादू बॉक्स ऑफिस पर फिर से चल गया। उनकी रिसेंट रिलीज दे धनाधन हर थिएटर में हाउसफुल चल रही है। अक्षय, इस बात से ये प्रूव होता है कि लोग आपको एक्शन से ज्यादा कॉमेडी करते हुए देखना पसंद करते हैं। दुबई में होने वाले एक इवेंट में ट्रीना कैफ परफॉर्म करने वाली थी, मगर उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो इस इवेंट में परफॉर्म नहीं करेंगी, पर अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट बनाए रखने के लिए वो इस इवेंट में अपना अपीयरेंस जरूर देंगी। अक्षय कुमार की एक फीमेल फैन ने अक्षय से मिलने के लिए उनके घर के बाहर अपने हाथ की नसें काट ली। फॉर्चुनेटली उस वक्त अक्षय घर पर ही थे और वो अपनी उस फैन को तुरंत हॉस्पिटल ले गए और उन्हें समझा बुझाकर अपने घर वापस जाने के लिए कहा, और साथ ही उस फैन और उसके पेरेंट्स के साथ कॉफी भी पी। एक बार फिर ऐश अभी का अब तक इस दुनिया में भी न आया बच्चा मीडिया की अटेंशन पाकर स्टार बन गया है, जिसे ऐश अभी झुटला रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सारी अफवाहें शायद हाल ही में एयर हुए एक सोप एड की वजह से है, जिससे ऐश्वर्या की प्रेगनेंसी का कोई लेना देना नहीं है। लगता है जब तक ऐश सच में प्रेग्नेंट नहीं हो जाती, तब तक अभी को अपने पापा बिग बी के पा और ऐश को एड्स में खुशखबरी देकर ही मन बहलाना पड़ेगा। शाहरुख खान ने रिसेंटली अमिताभ बच्चन जी को रिक्वेस्ट की कि उन्हें उनकी पा के प्रीमियर के 6 पासेस दिए जाएं, क्योंकि उनके बच्चे इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। बिग बी ने शाहरुख खान की इस रिक्वेस्ट को पूरा किया और उन्हें 6 के बजाय 7 पासेस भिजवा दिए। सैफ अली खान की अगली फिल्म एजेंट विनोद का पहला बजट 65 करोड़ का बताया जा रहा था, मगर अब इस बजट को 40 करोड़ कर दिया गया है। बट ऑब्वियसली कुर्बान के पुअर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के बाद शायद प्रोड्यूसर्स कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स लेटर इन द डे।